किसान विरोधी बिलों के पास हो जाने के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी अकाली दल ने अपना विरोध जताते हुए कल इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते हुए अकाली दल की नेता एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने तीनों विधेयकों को किसान विरोधी बताया। उनके इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि पंजाब में बीजेपी कमजोर हो जाएगी, लेकिन अगर गौर करें तो उनके इस्तीफे की वजह कुछ और ही है। अगर वो इस्तीफा न देती तो पंजाब में खुद अकाली दल की पकड़ कमजोर हो जाती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पंजाब के गांव गलियों में कुछ और ही नारे बुलंद हो रहे हैं। पंजाब सरकार मुर्दा है, मुर्दा है, रोजी रोटी दे नहीं सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे नहीं सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। बहुजन समाज पार्टी के लोग इन दिनों पंजाब के सभी गांव शहरों में जुलूस निकाल रहे हैं। दरअसल यहां पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है, जिसकी जांच के साथ साथ कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के इस्तीफे की मांग करते हुए बीएसपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। साथ ही ये लोग किसान विरोधी बिल और निजीकरण का विरोध भी कर रहे हैं। खेती ऑर्डिनेंस रद्द करो, रद्द करो, मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल पंजाब के नए प्रधान जसवीर सिंह गढ़ी के नेतृत्व में हो रहे इन प्रदर्शनों ने अकाली दल की नींद उड़ा रखी है। लिहाजा अकाली दल भी अब अपनी इज्जत बचाने की कवायद में मोदी विरोधी मोड में आ गया है।